चुनाव आयोग ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के डेमो पर आयोग ने कहा कि ईवीएम से मिलती जुलती मशीन में गड़बड़ी दिखाई गई और इस तरह की मशीन में कोई भी गड़बड़ी दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग के ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा सकती है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आयोग राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती देगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से कहेगा कि वो या तो ईवीएम में गड़बड़ी साबित करें या सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक राय ये भी है कि जो भी मुख्यमंत्री ईवीएम को गड़बड़ बता रहा है, पहले उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से हुए चुनाव में ही वो जीत कर आया है। इसके बाद वो जैसा चाहेगा वैसा चुनाव कराया जाएगा। कपिल मिश्रा के आरोपों पर चर्चा की बजाय दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम पर डेमो दिया। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम से डेमो देकर दावा किया कि सीक्रेट कोड से सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम के नतीजे बदले जा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी विधायक ये ईवीएम लेकर कहां से आए? सवाल उठे तो भारद्वाज को ये कहते हुए सुना गया कि बता देंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी। विशेषज्ञों ने डेमो को सिर्फ नाटक करार दिया है। कपिल मिश्रा ने भी आरोप लगाया कि ये डेमो उनके आरोपों से ध्यान हटाने का ड्रामा था। मजाक कर दिया इन्होंने, एक खुद की मशीन ले ली जिसको आप चाहे वैसे प्रोग्राम कर सकते हो पहले से और बना दिया। तो ये तो कोई भी सिंपल कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ इवन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करता है वो भी ये काम कर सकता है। मुझे लगता है ध्यान बटाने की स्टंट था। 2 करोड़ रिश्वत के आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी तीसरे दिन भी नहीं टूटी। उम्मीद थी कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल अपने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब देंगे, लेकिन केजरीवाल इस पर खामोश रहे। आज कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता गुपचुप ढंग से रूस समेत कई देशों के दौरे पर गए थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर पार्टी नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी तो वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे, लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? कपिल मिश्रा ने आज अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई हेडक्वार्टर जाकर शिकायत भी की। कपिल ने सीबीआई को कुल 3 शिकायतें सौंपी हैं। सीबीआई ने कहा है कि वो कपिल मिश्रा की शिकायतों पर जांच करेगी। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी घोटाले में एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। एक एनजीओ की शिकायत पर एसीबी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार की कंपनी, 2 सरकारी अधिकारियों और 1 प्राइवेट फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कल पीडब्ल्यूडी में 10 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था। पीडब्ल्यूडी में 2015-2014 में जो काम हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज थी और माल जो सप्लाई होना था माल ही सप्लाई नहीं हुआ है और कई फर्जी कंपनी के बिल्स वगैरह लगाए गए थे और भी उसमें कई चार्जेस थे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चंदे के मुद्दे पर घेरा। चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चंदे को लेकर गलत जानकारी दे रही है, इसलिए पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50,64,00,000 रुपया प्राप्त हुए बताने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है 19,82,00,000। इस बीच विदेशी चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों पर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा कानून यानी FCRA के तहत मिले चंदे की जानकारी सभी राजनीतिक दलों से मांगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन को अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के DGP को आदेश दिया है कि पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर कर्णन को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजें। पहली बार किसी हाईकोर्ट के मौजूदा जज को अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को जस्टिस कर्णन के आगे के आदेशों के बारे में नहीं बताने का भी आदेश दिया है।
बैंकों के 9,200 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। माल्या को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। 10 जुलाई को माल्या का पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें कितनी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश SBI की अगुवाई वाले बैंकों की याचिका पर दिया। बैंकों का आरोप है कि विजय माल्या ने ब्रिटिश कंपनी डियागो से मिले 4 करोड़ डॉलर को कर्ज चुकाने की जगह अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि ट्रिपल तलाक पर राजनीति ना होने दें। जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले 25 मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के दौरान PM ने कहा कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुस्लिम नेताओं ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए पूरी ताकत से इसका मुकाबला करने की बात की। कश्मीर घाटी के हालात पर चिंता जताते हुए मुस्लिम नेताओं ने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल, बहुत सेटिस्फैक्टरी एटीट्यूड था उनका, तो हम बहुत पुरुम्मीद होकर के इस मुलाकात से जा रहे हैं। खुदा करे कि ये जमीन पर भी नजर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 3 तलाक और फतवे पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 3 तलाक संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है और न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले किसी भी फतवे को मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है वो समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी मुस्लिम पति इस तरीके से तलाक नहीं दे सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी वाराणसी की एक महिला की याचिका पर की। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक, हलाला और बहुविवाह पर सुनवाई करेगी। पुणे की एक अदालत ने नैना पुजारी रेप मर्डर केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 4th आरोपी को वादा माफ सरकारी गवाह बनने पर बरी कर दिया गया। सोमवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया, लेकिन सजा का ऐलान आज किया गया। एक IT कंपनी में इंजीनियर नैना की 7 अक्टूबर 2009 को सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों योगेश राउत, महेश ठाकुर और राजेश चौधरी को अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया गया, जबकि विश्वास कदम नाम के 4th आरोपी की गिरफ्तारी 2010 में हुई थी। ये तीनों जो आरोपी है, विश्वास कदम, योगेश राउत और महेश ठाकुर, इनको फांसी की सजा सुनाई। अब आपको जल्द ही घर बैठे रेल टिकट मिलेगा और इसका पैसा आपको टिकट मिलने के बाद करना होगा। IRCTC ने पे ऑन डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत ऑनलाइन रेल टिकट खरीदते वक्त पैसे चुकाने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह ई कॉमर्स कंपनियां कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देती हैं, उसी तरह टिकट घर पर मिलने के बाद लोगों को पैसे का भुगतान करना होगा। दरअसल कई लोग ऑनलाइन अपने कार्ड की डिटेल्स देने से डरते हैं। ऐसे लोगों को पे ऑन डिलीवरी से बड़ी राहत मिलेगी। घर पर टिकट पहुंचाने के लिए IRCTC मामूली चार्ज वसूलेगा। ये सर्विस देश के 600 शहरों में मुहैया होगी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें अपनी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में बताया। अक्षय ने इस मुलाकात का एक फोटो ट्विटर पर शेयर किया। अक्षय ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें अपनी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में बताने का मौका मिला। उनकी मुस्कुराहट ने मेरा दिन बना दिया। PM ने भी अक्षय से मिलकर खुशी जताई और उन्हें शुभकामनाएं दी। टॉयलेट एक प्रेम कथा खुले में शौच की समस्या और शौचालय निर्माण पर फोकस है। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाले पवित्र शिवलिंग की पहली तस्वीरें आई हैं। बाबा बर्फानी इस बार विशाल रूप में प्रकट हो चुके हैं। हालांकि अब भी अमरनाथ गुफा के आसपास कई फीट बर्फ जमी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बर्फ शिवलिंग के बड़े आकार को बरकरार रखने में मददगार साबित होगी। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 7 अगस्त को सम्पन्न होगी। अब तक करीब 1,30,000 श्रद्धालु इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।